मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मीरा भयंदर की निर्दलीय विधायक गीता जैन के नाम से फिरौती मांगने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसमें दो आरोपी जेंट्स हैं और एक आरोपी लेडीज है। विधायक गीता जैन के नाम से ये गिरोह फोन करके पैसे मांगता था। इसी तरह से इस गिरोह ने दिल्ली दरबार होटल में गीता जैन के नाम पर पैसे मांगे, जिसके बाद होटल मालिक ने गीता जैन से संपर्क किया। गीता जैन ने बताया कि उन्होंने पैसे मांगे ही नहीं है। इसके बाद होटल मालिक ने इसकी शिकायत काशीमीरा पुलिस में की और काशीमीरा पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस इस पूरे मामले की आगे जांच पड़ताल कर रही है। इस पूरे मामले में निर्दलीय विधायक गीता जैन ने भी क्या कुछ कहा है और पुलिस की तरफ से भी क्या जानकारी दी गई है। देखिए, कल मुझे दिल्ली दरबार के वहाँ से फोन आया उन होटल के मालिक का कि हमारे पास इस तरह से कोई पैसे मांगने आया है, क्योंकि वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने पहले चार पांच और होटलों में भी ऐसा किया था, ऐसे मुझे पीआई साहब ने बताया। लेकिन वो मुझे जानते थे तो मैंने कहा मेरी तरफ से मैं ऐसे किसी को पैसे लेने नहीं भेजा है और मुझे नहीं मालूम। पहले FB मेरा अकाउंट खोला गया था और इसी तरह से मेरे नाम से उस समय भी पैसे मांगे गए थे। अब ये पता पड़ा है कि होटलों में या दुकानों में या कहीं और शॉप्स में जाके वो कहते हैं कि गीता जैन ने भेजा है हमें, उन्होंने इतना पैसा मंगाया है। तो मैंने तुरंत ही CP दाते साहब को फ़ोन किया, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे PI काशीमीरा को वहाँ भेजा और जो बंदा वहाँ पैसे लेने आया था उसको अरेस्ट किया और उसके साथ उसके साथीदार थे जिससे वो फ़ोन पे बात कराता था कोई लेडी से, ये कह के कि मैं गीता जैन बोल रही हूँ। अब वो कहीं मुंबई से है ऐसा पता पड़ा, तो वो गीता जैन बन के बात करती थी फ़ोन पे और होटल के मालिक से कहते थे कि मैं गीता जैन बोल रही हूँ, मैंने जिस आदमी को भेजा है उसे आप इतने इतने पैसे दे दीजिए। तीनों को गिरफ्तार किया है, 2 घंटे के अंदर शायद तीनों को गिरफ्तार कर लिया काशीमीरा पुलिस स्टेशन पे और अब वो उनसे पूछेंगे कि क्या आगे उनकी मॉडस ऑपरेंडी और किसके इंस्ट्रक्शन पे वो काम कर रहे थे। मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि वो पूछे और ये पता लगाए। लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे कोई भी फ़ोन कॉल्स आए, ऐसे कोई भी FB अकाउंट पे पैसे मांगे मेरे नाम पे, या कोई भी आदमी पैसे मांगने के लिए मेरे नाम से आता है और किसी से भी बात कराता है, प्लीज़ आप मेरे ओरिजिनल नंबर पे मेरे से बात कीजिए, कंफर्म कीजिए और कोई भी इस झांसे में आके उन्हें कोई भी पैसे ना दे। ये मेरी तरफ से लोगों को विनती है कि मेरे नाम से कहीं भी कोई भी तरह के मैं किसी को पैसे लेने नहीं भेजती हूँ। तो प्लीज़ आप होटल मालिक हो, दुकान मालिक हो या कोई भी हो, या FB अकाउंट पे भी कोई मेरे ऐसे पैसे मांगने वाले हैकर्स ने अकाउंट करके डाले हो, तो प्लीज़ आप पैसे किसी को भी ना दे और उसका इन्फॉर्मेशन तुरंत पुलिस स्टेशन पे दे या डायरेक्ट मुझे फ़ोन करें। मैडम, पुलिस की जिस तरह से 2 घंटे में इनको अरेस्ट किया है, तो पुलिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद देना चाहूँगी CP साहब का और पूरी टीम का, काशीमीरा के हजारे जी का, कि उन्होंने तुरंत ही रात को फोन करके कहा कि उस बंदे को तो पकड़ लिया है, बाकी दो को हम जल्दी पकड़ेंगे, पर देर रात होने की वजह से उन्होंने सुबह मुझे इन्फॉर्मेशन दिया। कल एक कॉल आया था हमको होटल्स जो दिल्ली दरबार है वहाँ एक आदमी को लोगों ने पकड़ के रखा है करके होटल वाले ने, तो हम उसको लेके आने के बाद हमको पता चला कि वो लोग जो है गीता जैन मैडम के नाम से पहला PA बद के बात करते हैं, फिर बाद में मैडम के नाम से एक औरत बात करती है और होटल वालों को बोलते हैं कि भाई हम लोगों को, उन्होंने बताया कैसा हम लोग जैन समूह के लोग कुछ विधवा लोगों का महिला का विवाह कर रहे हैं और उसके लिए हमको कुछ पैसे की जरूरत है, तो आप अपने तरफ से कितना डोनेशन देते हैं, कितना पैसा दे सकते हैं, ऐसे उनसे बात करते हैं। इस हिसाब से उन्होंने बोला था कि ठीक है, सामने वाले को लगा कि गीता जैन मैडम बात करे तो वो होटल का जो मालिक है उनसे वैसे बोल रहा है कि हाँ आप बताइए मैडम ऐसा, तो उन्होंने बोला कि इतना इतना पैसा अमाउंट बोलता है उसमें कि देता है, तो लेने के लिए दूसरे आदमी को भेजता है पैसा, वो जो दूसरा आदमी गया तो उसको वहाँ उन लोगों ने उनको डाउट आया कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो उन्होंने उनको पकड़ के रखा। तो पुलिस इंक्वायरी के बाद में पता चला कि उन्होंने जो आदमी पैसा लेने के लिए गया था तो उसने बोला कि मुझे नहीं बोला कि दूसरे लोग दो लोगों ने मुझे भेजा है, तो फिर हमने उसको ताबे में लेने के बाद इंक्वायरी करने के बाद वो जो दोनों लोग थे जो मैडम के नाम से एक महिला बात कर रही थी उनको भी हमने आज सुबह ही मॉर्निंग में अरेस्ट किया है और दूसरा साथीदार था उसका उसको भी हमने अरेस्ट किया है।
सर कितने लोगों को इन्होंने इस तरह शहर में किया है जिनसे पैसे मांगे हैं? इसमें अभी तक एक्यूज में से 2 जेंट्स है और 1 लेडीज है, और 4-5 लोगों को अभी तक उन्होंने फोन किया है ऐसा मैडम के नाम से, तो उतना उन्होंने इंक्वायरी में बताया है। अभी अब आज हम लोग ये केस में जो अरेस्ट किया है उसमें हम लोग कोर्ट में आज पेश करेंगे, जैसे पुलिस कस्टडी मिल जाएगी क्योंकि आगे की तहकीकत हम लोग करने वाले हैं। सर ये कहाँ के रहने वाले हैं, या पहले भी इनके पास ऐसे गुनाह दाखिल है, आपराधिक प्रविष्टि इनके पास ऐसा कुछ है? एक जो है अपने मैक्सिस मॉल के उधर रहने वाला आदमी है जो ओरिजिनल गोवा का है, और वो सिद्धेश सामंतर के नाम है उसका, और वो अपने एरिया में रहता है, और दूसरे दोनों जो है वो बोराई में रहते हैं, बोरेली वहाँ से हमने उनको उठाया। वो तो इनका काम क्या सर, क्या काम करते थे? एक्चुअली उसमें जो मैडम के नाम से जो पैसा मांग रहे हैं वो लेडी जो है उसका नाम है भारती परमार, और वो जो मुंबई महानगर पालिका है उधर क्लीन अप मार्शल बन के काम करती है, वो बाकायदा उसके पास आय कार्ड है, और उसका दूसरा साथीदार है वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं गोराई में, और उसको वो कुछ काम नहीं करता है, वो ऐसे काम करता है।